सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूं। इसमें पहली जिज्ञासा यह है कि मुहूर्त क्या है, क्या शुभ और अशुभ मुहूर्त भी होते हैं? तो देखिए, मुहूर्त जो है वह समय के एक अंश को कहते हैं। ज्योतिष में 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो अब जैसे कि वर्ष है, वर्ष को मास में बांटते हैं, मास को फिर जो है पक्ष में बांटते हैं, फिर उसको वार में बांटते हैं, वार को फिर जो है दिन में बांटते हैं, दिन को फिर जो है होरा में बांटते हैं यानी घंटा में, और फिर घंटा को मिनट सेकंड इस तरह से बांटते हैं हम। तो ज्योतिष में क्या है कि दिन को लग्न में भी बांटा गया है और मुहूर्त में बांटा गया है। लग्न 2 घंटे का लगभग होता है और मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अगर विज्ञान के लिहाज से देखें तो हम लोग अभी जो मुख्य डायमेंशन माने जाते हैं तो क्या माना जाता है, एक टाइम माना जाता है, एक द्रव्यमान माना जाता है और एक स्थान माना जाता है। टाइम, मास एंड स्पेस। तो ये जो 3 आयाम हैं, तो इस 3 आयाम में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आयाम है, प्राइमरी डायमेंशन कौन सा माना जाता है? तो हम लोग के शास्त्र तो बताते हैं कि समय जो है, काल जो है, वह प्रमुख है। काल की प्रेरणा से ही सब उत्पन्न होता है। यानी मास और स्पेस जो है वह टाइम से पैदा होता है। तो ये जो काल है, इसकी प्रेरणा से सब घटित होता है। तो टाइम का तो महत्व है, इसका मतलब टाइम जो है समय के प्रभाव से सृष्टि होती है। इसका मतलब है कि समय से ही सब कुछ होता है। तो समय के हिसाब से जो नहीं बर्ताव करेगा तो फिर तो अब उसी समय में ही काम होना है, चाहे कोई भी काम हो, शुभ काम हो, अशुभ काम हो, जो भी काम हो, होगा तो समय के अंतर्गत ही होगा। और एक ही समय में शुभ काम भी हो रहे हैं, अशुभ काम भी हो रहे हैं। एक ही समय में शुभ काम और अशुभ काम भी हो रहे हैं, लेकिन उसी में मुख्य देखा जाता है कि मतलब उसका प्रभाव क्या है, डोमेन्स क्या है, उस समय सृष्टि में क्या प्रभाव है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो प्रातः काल जो है वह आपको उस समय, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो
क्राइम का ग्राफ सबसे कम होता है प्रातः काल। अगर पूरे विश्व का ही स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो प्रातः काल उस देश का जो प्रातः काल का समय होगा, यानी यहाँ पर स्पेस भी मायने रखता है क्योंकि देश भी आ गया तो काल भी आ गया और देश भी आ गया। तो उस देश में, उस काल में, यानी प्रातः काल में, उस देश में आप देखेंगे तो सबसे अपराध का सबसे कम समय उस वक्त होता है, यानी अपराध की घटनाएं सबसे कम होती है प्रातः काल, यानी जिसको कि अच्छा मुहूर्त माना जाता है। अब इसी को मुहूर्त मानते हैं उसमें, तो उसमें शुभ कर्म अच्छे माने जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव किया गया है हमारे ज्योतिषाचार्यों और ऋषियों द्वारा। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो रात्रि काल है उसमें अशुभ समय होता है, यानी अशुभ के लिए शुभ होता है। कहने का मतलब है कि बुरे काम करने के लिए जो अशुभ काल कहा गया है, तो अशुभ काल किसको कहा गया है? अशुभ काल का मतलब है कि शुभ काम के लिए वह अशुभ है, शुभ काम के लिए उसको आपको नेचर से उतना मदद नहीं मिल रही है, अशुभ काम करने के लिए मदद मिल रही है, तो अशुभ काम करने वाले के लिए वह अशुभ हो गया, बुरे कर्म करने वालों के लिए वह अच्छा समय हो गया। यानी वो उस समय की जो प्रकृति है वह बुरे काम करने के लिए आपकी मददगार है, तो बुरे काम करने वालों के लिए शुभ है। तो जहाँ अशुभ लिखा रहता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सर्वथा अशुभ है, अशुभ का मतलब है कि बुरे काम करने के लिए शुभ समय है और शुभ कार्य करने के लिए अशुभ समय है। तो यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की मनोदशा क्या है, उसकी चेतना कैसी है, और समाज के विध्वंस के लिए, जीवन के विध्वंस के लिए वह कार्य करना चाह रहा है कि जीवन के सृजन के लिए करना चाह रहा है। तो शुभ अशुभ यानी सृजन और विध्वंस के लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि सृजन के लिए यह कह रहा है कि विध्वंस के लिए कह रहा है। तो अशुभ लिखा हुआ है तो इसका मतलब सृजन के लिए वह अशुभ है लेकिन विध्वंस के लिए वह शुभ है। तो सृजन के उद्देश्य से शुभ अशुभ लिखा हुआ है, तो वहाँ सृजन को प्राथमिकता दी गई है, पॉजिटिव एनर्जी को दी गई है प्राथमिकता, और नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मकता को वहाँ अशुभता के रूप में दिखाया जाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो जैसे कुंडली अगर बनती है पूरा, तो उसमें वर्ष कुंडली बनती है, तो वर्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है माह। यानी अगर मान लीजिए वह वर्ष आपका खराब है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह वर्ष पूरा ही खराब होगा, उसमें कोई माह अच्छा हो सकता है। तो एक शुभ माह जो है वो वर्ष के बाकी सब अशुभ जो मास हैं उसको वो कंपनसेट कर लेगा एक शुभ माह। तो जो उसमें दोष आए हैं, जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसी तरह से एक माह जो है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वार को माना गया है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जो भी वार है। तो अगर वह माह अशुभ है या शुभ भी है, तो शुभ है तो उसमें से एक माह में जितने भी वार हैं, तो मान लीजिए कि पूरा माह आपका अशुभ निकल रहा है लेकिन उसमें से एक दिन कोई शुभ निकल रहा है तो वो उसको कंपनसेट करेगा, या पूरा माह शुभ है उसमें एक दिन अशुभ है वो तो भारी पड़ेगा, तो वह एक दिन भारी पड़ेगा वो उसको कंपनसेट करेगा। और उसी तरह से दिन
जो है वार, तो वार में जो है वह लग्न देखा जाता है कि कौन सा लग्न है। तो 12 लग्न होते हैं, 2 घंटे का एक लग्न होता है। तो ये 12 राशियां हैं तो ये 12 लग्न हैं। तो अगर उसमें से एक लग्न भी आपका शुभ है तो बाकी जो हैं उसको वो कंपनसेट कर देगा, यानी उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि वह एक उसको बैलेंस करता है। तो आपकी अशुभता को शुभता या अशुभता को अशुभता वो करेगा, यानी वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और लग्न में फिर मुहूर्त पावरफुल होता है। तो मुहूर्त अगर निकाल लिया जाता है, कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, यानी समय जितना छोटा होगा शक्ति उतनी ही ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। जितना समय छोटा है शक्ति उतनी ही बलवती है। तो समय का बलवान होना यह देखा जाता है। तो ज्योतिष में वह देखते हैं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा कौन सा अच्छा नहीं रहेगा। तो मतलब प्रकृत उस समय क्या अपना अपने किस रूप में है, उसमें वह पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, और किस चीज़ के लिए पॉजिटिव है किस चीज़ के लिए नेगेटिव है। तो इसको जो अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं वो देखते हैं। तो मुहूर्त का तो महत्व बतलाया जाता है बृहस्पति संहिता में, बताया गया है कि इन्हीं के अधीन जो होते हैं, ग्रह अधीनम जगत सर्वम ग्रह अधीनः नरा वरः काल ज्ञानम ग्रह अधीनम ग्रह कर्म फल प्रदः, था ग्रहों के अधीन में ही ये सारा जगत है। और उन्हीं ग्रहों के अधीन में सारे नर है। काल का ज्ञान ग्रह अधीन है, ग्रह ही कर्म फल देने वाले होते हैं। तो जो ज्योतिष जो है, जो वेद की एक आंख कहा जाता है, वेद की आंख कहा जाता है, एक आंख नहीं सॉरी वेद की आंख कहा जाता है, यानी वेद की ज्योति है, ज्ञान की ज्योति है। तो ज्ञान की ज्योति समय है। समय का जिसको ज्ञान है इसका मतलब वास्तव में उसको ज्ञान है। समय का इसे ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, समय ही मुख्य ज्ञान है। किस समय क्या बोलना है, किस समय क्या करना है, किस समय खाना है, किस समय पीना है, किस समय दवा लेनी है, किस समय नहीं लेनी है, किस समय व्यायाम करना है, किस समय अध्ययन करना है, किस समय स्नान करना है, इन सब का महत्व होता है। समय के अनुसार से ही हमारी दिनचर्या बनती है, उनके अनुसार से ही हमारे साथ घटना दुर्घटना होती है। तो समय के अनुसार से ही सब घटना दुर्घटना हो रही है। तो ज्योतिष इसलिए समय को और स्थान को बहुत महत्व देता है। और मास जो द्रव्यमान है वो क्या है, तो जातक स्वयं है मास, तो ये तीनों चीज आ जाता। अब इसका मुहूर्त का प्रभाव अगर देखेंगे तो अब मुहूर्त जो है 30 मुहूर्त होते हैं, 24 घंटे में आपके 30 मुहूर्त हो जाते हैं। और 30 मुहूर्त के हर मतलब 48-48 मिनट का मुहूर्त होता है। तो उसमें जो 30 मुहूर्त हैं उसके ज्योतिष में नाम दिए गए हैं। अब सुबह 6 बजे से अगर
देखते हैं मुहूर्त, तो हर 48-48 मिनट पर जो मुहूर्त है उसका नाम जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, रुद्र, अहि, मित्र, पित्र, वशु, वराह, विश्व देवा, विधि, सतमुखी, पुरुहूत, वाटिनी, नक्तनकरा, वरुण, अर्यमा, भग, गिरिश, अजपाद, अहिर, बुधन्य, पुष्य, अश्विनी, यम, अग्नि, विधात्र, कंड, अदिति, जीव, इसको अमृत भी कहा जाता है, विष्णु, युग्मद्युति, ब्रह्म और समुद्र। तो सामान्य मनुष्य जो सामान्य जन हैं वे एक मुहूर्त को तो जरूर जानते हैं, वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त बहुत प्रचलित है, जो 4:24 से 5:12 प्रातःकाल का माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त, जिसको कि बहुत शुभ माना जाता है। उसी तरह से अमृत मुहूर्त भी माना जाता है, इसको जीव मुहूर्त भी कहते हैं, जो 2:00 रात्रि से 2:48 रात्रि तक है, इसको भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर मोटे तौर पर मैं आपको इसको 6 भाग में आपको बांट के बताता हूँ, ताकि उतना आपको डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, तो वो 6 खंड में बता देता हूँ, दिन भर का, रात्रि भर का, जो शुभ और अशुभ इस हिसाब से, सृष्टि पॉजिटिव एनर्जी के हिसाब से शुभ है और अशुभ उसी के हिसाब से अशुभ है, लेकिन अशुभ जो है मैं कहूँगा वह अशुभ कार्य करने के लिए शुभ होगा, यानी क्रूर कर्म करने के लिए वह शुभ होगा, लेकिन शुभ कर्म करने के लिए वह अशुभ होगा। अशुभ का मतलब सर्वथा अशुभ नहीं समझना चाहिए, बुरे काम करने के लिए वह शुभ होगा। तो जो रात्रि का 22:48 रात्रि का 22:48 से लेकर के सुबह 6 बजे तक शुभ ही शुभ है। इस समय कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा तो वह सफल होगा, 22:48। यानी आप मोटे तौर पर मान लीजिए कि 22:48 का मतलब 11 बजे मान सकते हैं आप, 11 बजे, अब यह जो है यह सुबह सुबह है इस समय किया गया था, अब वही 6 बजे सुबह से लेकर के 7:36 तक अशुभ होता है, और फिर 9:12 से 1:12 तक का जो समय है वह सुबह सुबह है, यानी सुबह 9 बजे से लेकर के 1:12 तक वो सुबह सुबह है। लगभग मैं लगभग कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि सोमवार और शुक्रवार को जो है 11:36 से 12:24 तक जो विधि मुहूर्त होता है उसमें ये दिन शुभ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लगभग कहा, बाकी तो आप सही है, मतलब इस समय आप चयन कर सकते हैं और कोई शुभ कार्य शुरू करने के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। और 1:12 से और 3:36 तक का जो मुहूर्त का जो समय है मुहूर्त है वह अशुभ अशुभ होता है, लेकिन क्रूर कर्म के लिए शुभ होगा, बाकी
शुभ कर्म के लिए वह अशुभ होगा। और 5:12 मतलब शाम से आप 7:36 तक का समय जो है अशुभ अशुभ होगा, अच्छा नहीं माना जाएगा शुभ काम के लिए। और 7:36 मतलब शाम से और 10 रात्रि तक का समय शुभ माना जाए। तो इस तरह से ये शुभ और अशुभ को मतलब उसके हिसाब से जो प्रकृति में जिस तरह से है, भारत की प्रकृति में उसके हिसाब से यह बांट दिया गया है। ये भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यह गणना जो है भारत के संदर्भ में है। अब इसके बाद से उस व्यक्ति के जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का की भी कुंडली देख करके उसको मुहूर्त उसका शुभ अशुभ निकालते हैं। और उसका शुभ अशुभ अगर इसके शुभ अशुभ से मैच कर जाता है तो जातक के विषय में कहा जाता है कि वह उस जातक के लिए उस समय का वह समय बहुत ही शुभ रहेगा। यानी अगर प्रकृति भी उस समय पॉजिटिव है और उसकी उस जातक की कुंडली से भी उस समय का शुभ काल निकल रहा है तो वह बहुत ही शुभ मुहूर्त मान लिया जाता है। तो दोनों का मिला लिया जाता है, यह तो प्रकृति का शुभ अशुभ जो कि पंचांग में बताया रहता है और व्यक्ति का अपना जातक का अपना शुभ अशुभ उस दिन का, उस व्यक्ति के उस दिन की कुंडली भी बनाई जाती है। तो उसके हिसाब से फिर दोनों का अगर मैच हो गया शुभ शुभ तो मान लिया जाता है कि यह लगभग शुभ रहेगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि शुभ ही होगा। और एक में शुभ है एक में अशुभ आ रहा है तो वहाँ पर उसके फल बहुत न्यून हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और दोनों में ही अगर अशुभ अशुभ हो गया तो बहुत ही कम हो गया। और अगर बहुत शुभ रहा, क्योंकि बहुत शुभ का भी एक काल होता है, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है बहुत शुभ होता है, अमृत मुहूर्त होता है वह बहुत शुभ माना जाता है। तो उस समय का जो है उस समय उसका मैच कर गया तो बहुत शुभ में आ जाएगा। अब इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव का अगर हम लोग उसमें देखें ऐतिहासिक नज़रिए से, तो महाभारत का जो है महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें दुर्योधन ने वेदव्यास से कुंडली दिखलाई थी और कहा था कि ऐसा मुहूर्त निकालिए युद्ध का जिसमें कि मेरी जीत ही जीत हो। तो वेदव्यास ने वो कुंडली निकाल के दी थी। वेदव्यास के विषय में कहा जाता था कि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा था कि युद्ध में तो बहुत मुश्किल है कि तुम्हारी जीत हो, कि नारायण उस पक्ष में है। तो दुर्योधन का मानना था कि भाई ज्योतिष में फिर तो शुभ अशुभ का क्या मतलब रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, युद्ध काल अगर उस समय मुहूर्त निकाल दिया जाता है, उस समय अगर तुम शुरू करोगे जो तुम्हारी कुंडली से मैच कर रही हो तो वह होगा। तो उन्होंने उसकी कुंडली को देख करके, क्योंकि जो उसका लीडर है उसके हिसाब से ही देखा जाता है कि जिसके ऊपर ही उस शुभ अशुभ का सब सर्वाधिक परिणाम आने वाला है। तो उसकी कुंडली से निकाल कर देखा गया था तो कहा गया कि भई यह जो है तुम्हारे लिए शुभ है। दुर्योधन ने जाकर के सहदेव से भी पूछा था, क्योंकि वे भी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे,
और वो कुंडली उसको भी दिखाई थी। दुर्योधन ने कहा बताओ कि इसमें हमारी जीत है कि तुम्हारी जीत हो रही है। तो सहदेव ने भी देख के बताया कि नहीं, इससे तो आपकी जीत, कुंडली के हिसाब से तो आपकी जीत हो रही है। दुर्योधन आश्वस्त हो गया था। लेकिन उस मुहूर्त में जो मुहूर्त निकाली गई थी, अमूमन युद्ध जो है वह सूर्योदय के समय शुरुआत, उसमें नियम बनाया गया था कि सूर्योदय के समय यही जो है युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और सूर्यास्त में युद्ध बंद हो जाएगा। तो युद्ध की शुरुआत सूर्योदय के साथ नहीं हो पाई, जो मुहूर्त निकाली गई थी उस मुहूर्त में नहीं हो पाया। युद्ध की शुरुआत नहीं हुई क्योंकि अर्जुन को बीच में वैराग हो गया, शोक हो गया, ज्ञान उसको दिया गया, उसमें समय बीत गया और फिर युधिष्ठिर ने सभी को बारी बारी से प्रणाम करने का जो क्रम रचा उसमें भी समय बीत गया। तो वह मुहूर्त निकल गया और जब वह मुहूर्त निकल गया तो हार इनकी तय हो गई। लेकिन युद्ध बहुत विध्वंसकारी रहा, दोनों पक्षों को अति नुकसान हुआ, बहुत ही कम लोग बच रहे थे। तो पांच पांडव इधर से और तीन उधर से बच गए थे और सात्यकी एक बच गए थे इधर से, भगवान कृष्ण और सात्यकी को छोड़ दिया जाए तो पांच पांडव बचे थे। और उधर से कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा बचे थे। तो काफी विध्वंसकारी रहा, 11-6 सेना का संहार हो गया। अब अगर आप देखें कि भाई भगवान कृष्ण इधर थे तो उसके हिसाब से घटनाएं प्रवाहित हो गई, परंतु ऐसा हर समय नहीं होता है कि सदैव अच्छी शक्तियां ही जीतेंगी, बुरी शक्तियां भी तो जीतती आई है। इसका मतलब है समय का ही प्रभाव होता है। जैसे देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें देव भी हारे हैं जो कि शुभता के परिचायक होते हैं। देवासुर संग्राम में तो असुर सब भी जीते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि मुहूर्त समय आपको जिता सकता है, हरा सकता है, आपके लिए शुभ या अशुभ हो सकता है। तो मुहूर्त का इसलिए महत्व होता है और लोग मुहूर्त दिखलाते हैं, लेकिन सिर्फ वह मुहूर्त दिखलाने से नहीं होगा, आपकी कुंडली का भी मुहूर्त, तो आपकी कुंडली में उस समय शुभ अशुभ समय है कि नहीं वह भी दिखलाना जरूरी है, जो कि नहीं लोग दिखला पाते हैं। अमूमन वह सिर्फ जो है पंचांग देख करके तय कर लेते हैं। पंचांग की शुभता शुभता, आपकी शुभता शुभता हो जाए कोई जरूरी नहीं है। वह तो एक जनरल टाइम फ्रेम हो गया जिसमें कि उस समय उस तरह के कर्म के लिए अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपकी कुंडली उस वक्त क्या कह रही है वह बहुत मायने मतलब रखती है। या आपके साथ साथ जो लोग हैं, जो मुख्य मुख्य लोग होते हैं, उनकी कुंडली क्या कर रही है। तो अगर अन्य की भी कुंडली, पूरे ग्रुप की कुंडली देखी जाएगा, कोई ग्रुप एक्शन होने जा रहा है, तो फिर उन सब का महत्व रहेगा क्योंकि उन सब की भूमिका हो रही। फिर उसमें से भी काट छांट करके ज्योतिषाचार्य सब निकालते हैं।
तो इसमें इतना ही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि विस्तार से मैंने समझा दिया है। हरिओम।